एवरीवन, आप लोग आ गए। मैं यहाँ वीडियो शूट जो किया था उसकी एडिटिंग कर रही हूँ और साथ में मैं अपनी कॉफी पी रही हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई, क्या आप लोग भी कॉफी पियेंगे मेरे साथ? तो चलिए कॉफी बनाते हैं। आज मैं आप लोगों को पिलाऊंगी पार्टी और शादियों वाली कॉफी, वो भी मैं अपने हाथों से बनाऊंगी सिर्फ 5 मिनट में। तो कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी दूध। आपको जितना कॉफ़ी बनाना है आप उसके अनुसार दूध ले लें। मैं यहाँ 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कप दूध लूँगी। तो अब मैं पैन को गैस पे चढ़ा के गैस ऑन कर दूँगी और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। हमें दूध को सिर्फ गर्म नहीं करना है, इसे अच्छे से खौलाना है ताकि इसमें थोड़ी सी झाग आ सके। तो जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक मैं लूँगी 1 कप और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, और इस पानी को हमें गर्म करना है तो इसके लिए मैं इसे माइक्रोवेव में रख के गर्म करूँगी। तो आप माइक्रोवेव की जगह पानी को गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पानी को मैंने 30 सेकंड के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है और ये हमारा 30 सेकंड कंप्लीट हो गया और हमारा पानी भी गर्म हो गया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे मैं लूँगी नेस्कैफे कॉफ़ी, आप चाहें तो अदर ब्रांड की भी कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है कॉफ़ी पाउडर, तो इसे मैं 1 कप में डाल दूँगी। और इसके बाद मैं लूँगी चीनी, तो यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लूँगी 4 चम्मच चीनी, ये नॉर्मल मीठा होगा कॉफ़ी। अगर आपको कॉफ़ी ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और आपको कॉफ़ी कम मीठी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप चीनी की मात्रा को थोड़ी सी घटा सकते हैं। याद रहे यहाँ पर मैं 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। अगर आपको 2 से ज़्यादा कॉफ़ी बनानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉफ़ी पाउडर ले। अगर आपको 3 कप कॉफ़ी बनानी है तो आप 3 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले। अगर आपको 4 कप कॉफ़ी बनानी है तो आप 4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले। और अब मैं लूँगी 1 चम्मच गर्म पानी और इसे इस कप में डाल दूँगी। देखिए इस कप में मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला है, चीनी डाली है और 1 चम्मच गर्म पानी डाला है। और अब हमें विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से फेंटना है। इसे 5 मिनट तक कंटिन्यूसली फेंटना है। 5 मिनट के बाद आप देखिएगा कि कॉफ़ी का कलर चेंज हो गया है, ये फ्लफी बन गया है कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेंटने के लिए स्मॉल विस्कर का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप फोक का भी यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी को फेंटने के लिए, बट आप कॉफ़ी को खूब अच्छे से फेंटिए। तो देखिए यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं और कॉफ़ी का कलर भी चेंज हो गया है। देखिए कॉफ़ी कितनी फ्लफी नज़र आ रही है। तो अब मैं विस्कर चेंज करूँगी और वापस से मैं बड़े वाले विस्कर से इसे 2 मिनट और फेंटूँगी। देखिए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, कॉफ़ी का कलर भी चेंज हो गया है पूरा और ये कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब फटाफट से मैं इसे सर्विंग कप में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ 1 कप में मैं 2 चम्मच कॉफ़ी डालूँगी। यहाँ पे मैंने सर्विंग कप में कॉफ़ी डाल दिया है और अब हम डालेंगे इसमें दूध। जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था वो अच्छे से बॉईल हो गया है। देखिए ऊपर में हल्के बबल्स भी आ गए हैं। तो अब इस दूध को मैं इस कप में डालूंगी। अब मैं विस्कर से इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि कॉफ़ी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप विस्कर के जगह चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी कॉफ़ी रेडी है।
तो ठंडी ठंडी मौसम में गर्मा गर्म कॉफी पीजिए और शिखा का पिटारा देखना ना भूलिए। अगर आप लोगों को मेरी कॉफी पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ठंडी ठंडी मौसम में गर्मा गर्म कॉफी का मजा ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी चीजों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और शिखा का पिटारा देखते रहे। और आज मकर संक्रांति है तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति।